टाइम निकाल के आना है भाई, स्कूल ट्यूशन कॉलेज जॉब सब जगह से छुट्टी ले लेना। और मिलना कहाँ पे है? थ्रोटल शोटल कैफे लेपर्ड ट्रेल। भाई साहब देखो स्कैम क्या हुआ, अभी हमने उबर बुक करी, उबर बुक हो रखी है 15 मिनट से। एंड ओ भाई साहब वो खड़ी है सामने अपनी गाड़ी, क्या क्रेजी लग रही है। लो जी लो पहुंच गए, अब एक बार और देख लो आप अच्छे से। रैप घर पे तो ढंग से दिख नहीं पाया था, तो कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी लग रही है भाई। बट वही दिल्ली से भाई हम जा रहे हैं यहाँ पे चाइना, चाइना से लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिर जाएंगे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, एंड देन फाइनली इंडोनेशिया से हमारी शिप हो जाएगी गाड़ी ऑस्ट्रेलिया। बताओ 18,600 किलोमीटर में हम लंदन पहुंच गए। लेकिन अपना देश इतना बड़ा है भाई साहब कि इंडिया इंडिया में भी, और अभी भी सारी सिटीज थोड़ी हो पाई होगी, है ना? वो तो ऑब्वियस है, स्टेट में भी दो स्टेट छूट गए। बताओ उसी में 18,000 ये वो सामान है जो हम ट्रिप पे ले जा रहे हैं अगली सर्विस के लिए, यानी जो 40,000 किलोमीटर पे। वॉशिंग की वजह से भाई अपना ये निकल गया था। तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से, जो बैनर स्टैंडीज वगैरह छपने हैं उनका डिजाइन मैंने करवा लिया है, आज रात तक छप जाएगी और जीजू कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ दिल्ली, लेकिन उससे पहले जा रहा हूँ घर अपने खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज गए दोपहर के, कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। उसके बाद जाना है दिल्ली अपनी स्कॉर्पियन उठाने, क्योंकि उसका रैप का काम भाई पूरा हो चुका है, जो हमने इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वाली करवाई है तो मस्त बनी है भाई। पिछली वाली जो अपना रैप था ना उससे भी 10 गुना अच्छा बना है, तो पूरा आपको अच्छे से दिखाऊंगा डिटेल में। और करोल बाग भी जाना है, कुछ काम है थोड़ा बहुत, तो सारा काम आज निपटाएंगे। चले भाई, ओके जी चलो लेट्स गो। ठीक है जी, जो लो जी लो आ गया है खाना अपना, चावल और छोले साथ में, और घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। इतने विक्रम भैया आ रहे, आपको ऊपर का टूर दे देता हूँ थोड़ा सा भाई, जितना काम हो गया ना ऊपर। लैंडर तो डल गया था, मैंने आपको दिखाई दिया था, बस अभी बाउंड्री वॉल भी उसकी बनाई जा रही है, सीढ़ियां हो गई है पक्की, अपनी सीमेंट वीमेंट सब लगा दिया है इसमें, अब चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो डर रहता था ना फट्टे बल्ली की वजह से, अब मजबूत काम है एकदम। देख रहा हूँ ये देखो जी, दीवारें बनना शुरू हो गई है किनारे किनारे की, जो पैरापेट वॉल कहते हैं जिसे, क्योंकि अभी इसमें ना पानी डालना पड़ता है, तो इसलिए ये ईंटों की बाउंड्री बना रहे हैं ताकि पानी ना टिका रहे और लेंटर को पानी मिलता रहे टाइमली। मुझे ना करेंसी चेंज भी करवानी है, मतलब यूएस डॉलर मैं हमेशा ट्रिप में कैरी करता हूँ, तो देखता हूँ भाई 4,000-5,000 US डॉलर ना ले ही लूंगा। और उसके लिए मेरा पाउच कहाँ है भाई, पासपोर्ट वाला जिसमें पासपोर्ट था पूरा। अबे भाई पाउच कहाँ गया यार, पाउच तो मेरा बैग में ही होता था पाउच, तो ये क्या चोर वोर ने तो नहीं रख दिया किसी ने? दोनों पासपोर्ट उसी में थे भाई, अगर पासपोर्ट गया तो ट्रिप की पूरी ऐसी तैसी मच जाएगी। सिटी यार है ही नहीं। अबे चलो, उसमें मैंने एयर टैग डाला हुआ था, सर्च करके देखना पड़ेगा। ये देखो भाई ओडी में पड़ा था, अच्छा हुआ ना ट्रैकिंग डिवाइस से पता चल गया दोनों पासपोर्ट इसी में थे भाई, मेरी तो ऐसे जान निकल गई थी। चलो जी विक्रम भाई आ गए हैं, आप कहाँ जा रहे हो? सोनीपत। दिल्ली जा रहे भैया, तो मैंने भैया कह रहे कि जा ही रहा हूँ तो साथ साथ वहाँ पे छोड़ते जाएंगे करोल बाग, क्योंकि पहले मुझे जाना है समुराई कॉर्नर, वहाँ पे शूट करना है अपनी एक गेम का, दूसरा फिर करेंसी लेनी है डॉलर्स में, वो मैंने आपको बताया, फिर जाते वक्त वापसी में जाएंगे हम अपना होस्ट कार गाड़ी पिक करने के लिए, तो तीनों काम एक ही दिन में हो जाएंगे, अब दिल्ली आने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। कल वैसे भी संडे है, कल क्या अपना गाड़ी का थोड़ा बहुत और काम बचा हुआ है, वो स्पेयर पार्ट जो ले जाने हैं ना ट्रिप पे, प्लस अपना जो स्पेयर टायर है वो भी ठीक होने के लिए गया हुआ है। और काफी लोग कह रहे थे सर्विस वाली वीडियो में आपने क्रूज कंट्रोल ठीक नहीं करवाया, तो हमने अपडेट करवा लिया था, तो वो अपडेट के बाद जो है क्रूज कंट्रोल की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो नहीं आई, अब रस्ते में आएगी तो आपको बता दूंगा, वरना महिंद्रा की तरफ से तो यही था कि हम अपडेट कर देंगे फिर नहीं आनी चाहिए उसमें, बाकी लेट्स सी आगे देखते हैं। ORVM जो हमारा नया लगा है उसमें तो लक्की आएगा ही आएगा, नया वाला ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, वो जो स्पेयर वाला था उस पे चेंज करा लिया? नहीं वो नहीं करवाया चेंज, वो मैं उन्हें इवेंट में दे दूंगा वनडे को, जो लंदन से वापस आए हैं ना अपने दोनों, वो मैं उन भैया को रैपस्टर वाले भैया को इवेंट पे दे दूंगा, वो फिर एक दिन में करके मुझे वेडनेसडे को पकड़ा देंगे जब हमें निकलना है। इंडिया का फ्लैग तो सेम ही रहेगा? नहीं उन्होंने भी, अच्छा हाँ वो पुराने वाले में, वो तो सेम ही है। चलो बाकी सोहन को भी पिक कर लिया रस्ते से, वहीं से ऑफिस से, इसको आदत डाल देना गाड़ी में ट्रैवल करने की लंबा, ये तो कर लेता है, इसको दिक्कत नहीं। ओमड़ी ओमड़ी तो नहीं आती तेरे को ऐसा, तो अरे डीजल चढ़ गया मेरा है। तो ट्रिप के लिए भैया ने ना अपनी लाइट दे दी है वाली, मस्त है भाई साहब, फोन में माउंट हो जाती है, और अपना रात में अंधेरे में जब भी शूट करना हो
दिक्कत ही नहीं। वैसे तो गाड़ी की लाइट होती है, लेकिन गाड़ी से बाहर का भी शूट करना है तो मोबाइल की फ्लैश लाइट इतना अच्छा काम नहीं कर पाती जितना इसकी पावर है। तीन मोड है इसमें, एक दो तीन, देख रहे हो कितना भाई सब मस्त रोशनी कर दी है। बाकी भाई दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है, 4:30 बजे हम निकल रहे हैं, ऐसा टाइम है जब सारे ऑफिसेज की छुट्टी हो रही होती है और ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। बाकी भाई इवेंट के लिए फिर से बता दूं, 20 नवंबर मंडे को 2 बजे दोपहर को इवेंट है। जितने भी भाई लोग अपने वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हो आप चाहे नॉर्मल सब्सक्राइबर हो, टाइम निकाल के आना है भाई। स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, जॉब, सब जगह से छुट्टी ले लेना। और मिलना कहाँ पे है? थ्रोटल शोटल कैफे लेपर ट्रेल, दो है थ्रोटल शोटल गुड़गांव में, एक फरीदाबाद रोड पे और एक लेपर ट्रेल पे जिसे हम पहाड़ी भी बोलते हैं, तो पहाड़ी वाले पे आना है। डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल मैप की लोकेशन, वहां का नंबर और पूरा एड्रेस वेड्रेस सब दे दूंगा। 2 बजे करेक्ट पहुंच जाना भाई साहब, हमारा फ्लैग ऑफ इवेंट है ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप के लिए। तो सब लोग मिलेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर चले जाएंगे। लो जी फाइनली पहुंच गए हैं, यहीं उतर जाते हैं। लो बैग ले लो फटाफट, उतर जाए यहीं उतर जाए। हाँ, थोड़ा साइड लगा लो यार, साइड लगा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। हमें जाना है यहाँ से, आप जा रहे हो? हाँ। मैं जाऊंगा अभी पंजाबी की तरफ। अगर हम अपनी गाड़ी लाए होते तो यहाँ पे पार्किंग देनी पड़ जाती, 200 रुपए ले लेते फालतू फंड के। मेरा नाम ले दे तो भैया कह रहे सारी जमीन अपनी है। कोई नहीं कोई नहीं, ठंड रखो, बस यही रोक दो, यही रोक दो, यही उतर जाते हैं। बहुत लंबा चलना पड़ेगा तुम्हारे। चलो भैया धन्यवाद, कल मिलते हैं, फिर परसों इवेंट पे मिलते हैं, फिर उससे अगले दिन मिलते हैं। चलो जी। बाहर आपको दिखाई होगा अंधेरा है, तो गाड़ी मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा, बट कल सुबह दिखाऊंगा अच्छे से रोशनी में ना पूरा की क्या क्या चेंजेस करवाए डिटेल में, ताकि मतलब पूरा पता रहना चाहिए ना। और जो लोग इवेंट में आ रहे हैं भाई मंडे को, उनको तो वैसे भी सामने से गाड़ी दिखी जाएगी, ठीक है जी। मार्केट भी ऑलमोस्ट भाई पूरी बंद ही हो गई है। ये थी करेंसी एक्सचेंज की दुकान नीचे जहाँ से मैंने चेंज करवाई, डन हो गया अपना। अब करोल बाग शायद ही आना पड़े, आऊंगा भी तो शॉपिंग के लिए आऊंगा इसको, और मेरे को थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। तो देखते हैं मंडे इवेंट करते हैं, कल संडे है, कल भी टाइम मिलना नहीं है मुझे, ट्यूजडे को आएंगे इवेंट वगैरह करने के बाद ना, आराम से जो जो चीजें लेनी होगी वो डन कर देंगे। करेंसी का तो काम हो ही गया अपना, उसके लिए आने की जरूरत नहीं है अभी, तो जल्दी जल्दी कैब बुक कर दी है, रोड पे मिलेगी। ये सारा सामान हमने ले लिया है यहाँ से, और कैब जो है वो अंदर तक नहीं आती, हमें बाहर रोड तक जाना पड़ता है। तो आप भी अगर कभी इस साइड आते हो तो सबसे बेस्ट है भाई मेट्रो से आओ, क्योंकि टैक्सी से आओगे बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने ट्रैफिक होता है, मेट्रो बेस्ट है, 40-50 रुपए में पहुंच जाओगे पूरी दिल्ली से कहीं से भी। यहाँ भाई साहब देखो स्कैम क्या हुआ, अभी हमने उबर बुक करी, उबर बुक हो रखी है 15 मिनट से, नंबर जो है ना गाड़ी का, यहाँ से गाड़ी जा रही थी वही सेम नंबर, और भाई साहब ने किसी दूसरी सवारी को बिठा रखा था और हमारी राइड एक्सेप्ट करके काटा भी नहीं, कैंसिल भी नहीं करी, और दूसरों को घुमा रहे हैं। हमने तो पकड़ लिया ना कैंसिल करो, अभी तक कैंसिल नहीं करी, देख लो कितने बेशरम है भाई साहब लोग। डिटेल दिखा दो, डिटेल तो क्या दिखानी, हमें करनी पड़ेगी कैंसिल, बताओ। फालतू में अगर मेरे पैसे काटे ना फिर बताऊंगा अच्छे से। लो कैंसिल का भी नहीं ऑप्शन आ रहा, कहाँ है कैंसिल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, राइड स्टार्ट तो नहीं कर दी, पर बिना ओटीपी के कैसे करेंगे, ट्रिप डिटेल में जाके करो ना। फाइनली भाई 20 मिनट और इंतजार करने के बाद गाड़ी आई गई साड़ी, लेट्स गो। चलो जी चलो पहुंच गया, एंड ओ भाई साहब वो खड़ी है सामने अपनी गाड़ी, क्या क्रेजी लग रही है, सुबह ही दिखाऊंगा आपको। रैप तो भाई बहुत तगड़ा हुआ है, बट एक ये स्कॉर्पियो का जो लोगो है ना वो लगाना रह गया, क्योंकि हमने लगाया नहीं था डिक्की चेंज होने के बाद, क्योंकि रैप में ना फिर से निकालना पड़ता उसको, उससे अच्छा हमने कहा रैप एक बार हो जाए फिर लगाएंगे ऊपर, तो अभी ये लगवाते हैं और फिर लेकर चलते हैं। इस बार रैप भाई और तगड़ा हुआ है, मजा आ गया भैया, कलर्स वगैरह भी ना ब्राइट ब्राइट से लग रहे हैं, है ना। साइड का भी दिखाएंगे, साइड का
हाँ थोड़ा चेंजेस है, चेंजेस है, बाकी मंडे इवेंट में आना ठीक है, मंडे तो इवेंट में जरूर। हाँ जी, ये लेपर्ड ट्रेल है ना, थ्रोटल शोटल। हाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको लोकेशन, ठीक है जी। और आप सब लोग भी 2 बजे भाई करेक्ट पहुंच जाना टाइम से, सब लोग कोई भी देरी मत करना है वरना इवेंट शुरू हो जाएगा फिर। चलो स्कॉर्पियो का। हाँ जी क्या कह रहे हो? एक और चीज कह रहा था मैं अपने आपके व्यूअर्स के लिए। हाँ के कुछ भी काम हो जैसे रैप्सर्स के लिए पीपीएफ सेरेमिक कोटिंग। हाँ हाँ। और इवन मैं ट्रेन भी करता हूँ किसी को, अगर नया वेंचर खोलना हो अपना बिजनेस खोलना हो तो उस चीज के लिए भी मैं ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो प्लीज उसमें कांटेक्ट करना। कोई नंबर बताना है क्या? मेरा नंबर है 5 9 6 6 8 3। ठीक है, तो भैया को कॉल करो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप डालो। किसी को कुछ भी काम सीखना हो, स्टार्ट करना हो, सेटअप करना हो, के वो सब चीजें ट्रेनिंग वगैरह भी हम सब देते हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया काम किया इस बार भी भैया ने और अच्छे प्राइस पे किया, मेन वो है क्योंकि लोग रैप के ना बहुत पैसे मांग लेते हैं। इसके अगर कोई स्कॉर्पियो से रैप करवाते हैं आप कितने रुपए चार्ज करोगे? कम से कम भैया अगर ये ऐसा करवाते हैं कम से 80-90 हजार रुपए। आप कितने लोग हैं इनसे? किनसे? लोगों से क्या? हाँ। रैप कराने के हाँ। इतना ये प्राइस ले लेता। और बाहर क्या रेट है? बाहर कम से कम इसका 1.5 लाख रुपए लग जाता। अच्छा जी, डिजाइन विजाइन करके ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, बोनट 3 दफा मैंने आपको चेंज करा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि आप सेटिस्फाई होने चाहिए। मुझे भी मालूम है कि मैंने वो 3 दफा चेंज करा, ये 2 दफा चेंज करा। हाँ, मैं बताता हूँ, एक्चुअल में ये जो हमारा स्कैनर है ना वो हल्का सा इसके ऊपर आ रहा था, मतलब इसके नीचे आ रहा था, तो इसलिए भैया ने पूरा ही बोनेट वापस से प्रिंट करवाया, चिपकाया। और बोनेट में भी ऐसी दिक्कत आई थी, थोड़ी सी फिनिशिंग सही नहीं आ रही थी। नेक्स्ट टाइम हमने दूसरा करा उसमें फिनिशिंग आ गई, पर लेकिन लास्ट में हाँ। वो कुछ क्लीनिंग करते हुए हमसे डैमेज हो गया। हाँ, तो मैं फिर वापस चेंज करा। ठीक है, तो मतलब 2-3 बार भैया ने प्रिंट करा और अच्छे से अब काम फाइनल हो गया। तो रैपस्टर्स को आप कॉन्टेक्ट। काफी माफिया लोग। हाँ, ये अभी दिन में दिखाऊंगा आपको अच्छी रोशनी में। ये ना मैंने पूरा स्मोक करवा लिया भाई, मतलब लाइट तो इसमें से दिखेगी बट लुक चेंज हो गई है। और पीछे से महिंद्रा का लोगो भी हमने कटआउट नहीं करवाया, पूरा का पूरा मैट ब्लैक में छोड़े। सेंसर कर दिए भैया? याद से ना? नहीं, ये अच्छा नहीं थे। ठीक है इसमें तो नहीं हुआ। आगे कर दिए ना? हाँ, पिछली बार क्योंकि सेंसर कट आउट रह गया था हमारा, तो वो पी बज रही थी बट अब हो गया। देखते हो वीडियोस? देखता था पहले, अब नहीं देखते। ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ये वाली ट्रिप, तो देखूंगा। ऑस्ट्रेलिया वाली देखोगे पक्का? ये वाली देखूंगा। चलो, क्या नाम है? आहिल। चलो ठीक है जी, ओके। अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि लगाए या ना लगाए, बट एंड में यही डिसीजन लिया कि लगा लेते हैं भाई, क्योंकि पूरी गाड़ी में कहीं पे भी स्कॉर्पियो ना लिखा नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा। और ये महिंद्रा भी नहीं लिखा हुआ, खाली लोगो बना हुआ है, तो इतनी पहचान रहनी चाहिए कि हाँ स्कॉर्पियो है ना भाई। तो यहाँ पे अब हम लगा लेंगे। ओरिजिनल में वैसे थोड़ा इस तरफ आता है बट ये इससे ना लाइन मैच हो रही है, तो हम हल्का सा नीचे करके यहाँ पे कहीं पे लगा देंगे, उसके हिसाब से सही हो जाएगा। तो ये महिंद्रा वालों ने दे दिया था डिक्की के साथ हमें ना उस टाइम पे, और मैंने रख लिया था संभाल के, अब ये लग रहा है। अब देखो इसमें सिल्वर है, अगर ये थोड़ा ब्लैक होता तो सही था, बट ब्लैक पे ब्लैक दिखता नहीं। और ये एन का जो ट्रीटमेंट है ना रेड कलर में, ये अपने मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के रेड कलर के साथ, बढ़िया एकदम। चलो जी, फिटिंग हो गई है, बस अब इसका ऊपर का उखाड़ा जाएगा। चलो जी, चलो आज तो पैरों की बैंड बज गई है, इतने दर्द कर रहे हैं ना क्या बताऊं। करोल बाग में इतने शूट करे यहाँ करे, अभी तो फिलहाल ऑफिस जाना है, वहाँ पे 4 शूट और करने हैं। 2 तो बजी जाएंगे रात के ना, अब तो सुबह होगी। सुबह ही होगी, क्या ही करेंगे। 11 तो बजने ही वाले हैं, अब पहुंचते 12 बज जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे, शूट करेंगे, 3-4 बज जाने हैं। बहुत बुरी हालत होती है भाई ट्रिप पे निकलने से पहले, सही में लोगों को लगता है आसान है मजेदार है, बट हमसे पूछो क्यों, सही बात है क्या? क्या मेहनत कर रहे हैं, सही बात है। चलो चलते हैं, आप थोड़ी देर और मतलब कुछ सेकंड्स और वेट करो, उसके बाद कल सुबह हो जाएगी व्लॉग में, फिर आपको हम रैप दिखा देंगे। ओके जी, हम मुझे ऐसे ना मेमोरीज याद आ रही है भाई, लंदन ट्रिप पे निकलने से पहले ही, इवेंट के 2 दिन पहले की ही बात थी शायद से, एग्जैक्ट रात को इसी टाइम पे 9-10 बजे अभिषेक और मैं आए थे गाड़ी पिक करने। नहीं, सोहन भी आया था, सोहन भी आया था, अभिषेक भी आया था, मैं भी आया था, और गाड़ी पिक करके लेकर गए थे। और ऐसी उस व्लॉग में भी मैं ये कह रहा था कि अभी नहीं दिखाऊंगा रैप, अभी नहीं दिखाऊंगा, अगले वीडियो में दिखाऊंगा। वही सेम चीज हुई है भाई, बट अब अगली वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, इसी वीडियो में, लेकिन सुबह होके दिखाऊंगा आपको, तो कि अच्छे से दिखे ना भाई। बट पूरी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई, मतलब भाई यकीन सा नहीं आता कि पूरी लंदन रोड ट्रिप मैं कंप्लीट करके आ भी चुका हूँ वापस इंडिया, और अब दूसरी ट्रिप पे निकल रहा हूँ बताओ। और अभी भी लोग भाई बहुत सारे दिख रहे हैं आसपास, गाड़ी रोक रहे हैं, मैंने यू टर्न ले लिया, वरना एक भाई रुकी गए थे ऑलमोस्ट बीच रोड के, रुक जाते भाई ब्रेक लगाते पीछे से ठोक दे कोई, क्या करे भाई। लोगों को मतलब ये होता है कि अचानक से कोई गाड़ी जो फोन में देख रहे थे वो 4 महीने से लोगों को या गाड़ी को वो रोड पे चलती हुई दिख गई उनके आंखों के सामने, तो वो भी हैरान से हो जाते हैं। इसलिए भाई वही है ना, ये थकान जो हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये पूरा ऐसे
इनाम देकर जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये खड़ी अपनी गड्डी, सबसे पहले तो भैया रैप ही देख लो आप, थोड़ा सा मिट्टी गिर गई थी, काम चल रहा है ना घर का, और ये सरिया वरिया इग्नोर करना, इसलिए मैंने धो दी अच्छे से। तो सामने में देख सकते हो आप भाई वही सेम डिजाइन, नमस्ते लंदन वाला, नमस्ते की ऑस्ट्रेलिया की, मतलब लंदन की जगह ऑस्ट्रेलिया कर दिया, और रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। इस बार हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। बाकी 11 प्लस कंट्रीज होने वाली है, 20,000 से ज्यादा किलोमीटर होने वाले, क्योंकि चाइना ही ना हमारा लगभग 10,000 किलोमीटर का है, और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा है, तो 28,000 के आसपास मेरा अंदाज है, बट स्टिल मैंने फिर भी 20,000 प्लस लिखवाए, और दिन हमारे लगभग 4 महीने लग जाएंगे, तो वही 100 प्लस लिखवा लिया, मैंने कहा सेफ रहना चाहिए अपना, क्योंकि यहाँ लिखवा देते 120 दिन और हो जाते 110 दिन तो लोग गालियां देना शुरू कर देते, तो उससे अच्छा है कम लिखवाओ और ज्यादा दिन घूमो, वो सही है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ये स्कैनर बनवाया भाई, जो भी रस्ते में गाड़ी को देखेगा इसको स्कैन करेगा, स्कैन करते मेरे सारी प्रोफाइल के लिंक खुल जाएंगे, फेसबुक इंस्टा यूट्यूब, तो मजेदार चीज है, आप भी इसको स्कैन करना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो अब लेना, और इससे आपको मेरी सारी प्रोफाइल मिल जाएगी, बाकी चैनल का नाम और इंस्टाग्राम की यूजर नेम यहाँ लिखवा दिया। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा आ गया है वेक्टर आर्ट, मतलब कार्टून वाला अनमोल, तो शक्ल कार्टून थोड़ी सी बना के बॉडी वोडी वैसी कर दी है सेम। तो फ्रंट से तो ये सीन था, ऊपर से आप देख सकते हो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड लिखवा दिया पूरा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले दिल्ली से लंदन इसलिए था क्योंकि दिल्ली भी सिटी है और लंदन भी सिटी थी, बट अब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि इंडिया एक कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है। एक चीज और भाई, काफी लोग कह रहे हैं भारत टू ऑस्ट्रेलिया करो, तो यार देखो सच्ची बताऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है भारत या इंडिया दोनों में ही, बट जब हम इंटरनेशनली जाते हैं ना किसी कंट्री में तो लोगों को इंडिया हर जगह पता है, इंडिया या हिंदुस्तान, जैसे ये जो अरेबिक कंट्रीज है इनमें हिंदुस्तान पता होता है, और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनमें इंडिया पता है, लेकिन भारत अभी लोगों को नहीं पता, तो अगर मैं भारत यहाँ लिख देता ना तो रस्ते में आधे से ज्यादा लोग पहचान ही नहीं पाते कि कहाँ से आई है गाड़ी, इसलिए अभी के लिए इंडिया, जब प्रॉपर नाम भाई ऑफिशियली हो जाएगा ना कि इंडिया हटा दो और भारत ही रहना चाहिए, तब हम भारत लिखेंगे, बट अभी के लिए इंडिया और भारत दोनों वैलिड है, तो हम इंडिया यूज कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, मतलब बाहर लोगों को समझ आ जाता है, ठीक है जी। बाकी आगे बोनट पर थोड़ी सी मिट्टी है, ये अभी साफ हो जाएगी, देख रहे हो पूरा डिजाइनिंग जो है ना वो यहां तक पूरे कंट्रीज के मैप नक्शे वगैरह छापे हैं, तो ए टू जेड पूरा हो रखा है। तो ये तो हो गया फ्रंट प्रोफाइल, अब दिखाता हूँ आपको साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल दोनों जगह से सेम है, बस एक तरफ की दिखा देता हूँ जो दिख जाएगी यहाँ से। अरे यार यहाँ से तो दिख नहीं रही आपको, चलो थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ भाई। ये अपना प्यारा देश इंडिया, भारत जो आप बोलना चाहो, आप देख सकते हो इस बार हमने थोड़ा चेंज ये करवाया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ना थोड़े से कलर डाल दिए, ऐड कर दिए है, वरना पहले क्या था ये बहुत प्लेन से बस बाउंड्री थी, तो इस बार ना रैप ऐसे निखर के आ रहा है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया में भी पूरा और यहाँ पर इंडिया में भी पूरा, तो इस तरह का मैप है भाई। रूट आपको मैं एपिसोड 1 में अच्छे से समझाऊंगा सारा क्या था, बट वही दिल्ली से भाई हम जा रहे हैं यहाँ पे चाइना से लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिर जाएंगे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, एंड देन फाइनली इंडोनेशिया से हमारी शिप हो जाएगी गाड़ी ऑस्ट्रेलिया। तो सिंगापुर तक बिल्कुल बाय रोड है, कोई बीच में फेरी नहीं लेनी, कोई शिप नहीं लेनी, पूरा बाय रोड कवर करेंगे सिंगापुर तक, और सिंगापुर से गाड़ी फाइनली पहुंचेगी अपनी ऑस्ट्रेलिया शिप पे चढ़ के, ठीक है जी। तो वो मैं अच्छे से समझाऊंगा। इस बार देख सकते हो आप स्पॉन्सर हमें मिले नहीं है, एक तो अपने कमर भैया की शॉप है ये ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम करोल बाग, और एक है अपना हनी गेन जिनकी मैं काफी एडवर्टीजमेंट करता रहता हूँ, तो इनका भी स्कैनर है, आप स्कैन करके $5 ले सकते हो। तो ये दो ही स्पॉन्सर मिले हैं, कोई हो बड़ा स्पॉन्सर तो भैया कॉन्टेक्ट करो मुझे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे, आपके भी स्टिकर लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रिप में पैसों की जेन्युइनली जरूरत है भाई, बहुत बहुत खर्चा होने वाला है। बाकी बैक आप यहाँ पे देख लो, अच्छा वो लेफ्ट वाला साइड जो है वो भी सेम ही है डिट्टो, उधर से बस फर्क क्या है, उधर से इंडिया शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, उधर वाले में पीछे इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया उधर है, तो इसलिए भैया थोड़ा सा क्या कहते हैं इन्वर्ट या रिवर्स जो भी हो गया है। बाकी शीशों पे भी लिखवाया हुआ है, देखो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड 11 प्लस कंट्रीज 20,000 प्लस किलोमीटर रोड 100 प्लस डेज, ठीक है जी। और हाँ शीशों पे भी जो पिछली बार था ना ORVM, एक शीशे में हमने पूरा बनाया है इंडिया का मैप, उधर वाले में बनाया है मैप क्या रूं फ्लैग, और उधर वाले में बनाया है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, ठीक है सेम ही है, वो ज्यादा फर्क नहीं है। अब बैग अच्छे से दिखा दूं आपको, वाइपर अभी लगना है, लेकर जाऊंगा इसे थोड़ी देर में महिंद्रा के सर्विस सेंटर। तो ये देखो भाई नीचे लिखवा दिया इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, लेफ्ट साइड में अपना वेक्टर आर्ट, अनमोल जायसवाल नाम लिखवा दिया, और ब्लड ग्रुप भी लिखवा दिया रस्ते में, अगर भगवान न करे जरूरत पड़े, बट जरूरत पड़े तो ब्लड ग्रुप मेंशन हो। सेम वो स्कैनर यहाँ लगवा दिया, कोई भी स्कैन करके प्रोफाइल देख सकता है, बड़ा बड़ा नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, बाकी अपना जय श्री राम तो है ही, पुराने वाला शीशा
क्योंकि ये, और बिमरा 4x4 का, ठीक है जी। तो ये कुछ बैक का नजारा है गाड़ी का। तो कैसा लगा आपको रैप इस बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। डिजाइन तो ओवरऑल सेम है पूरा, जो पैटर्न वगैरह है, बस थोड़े से एलिमेंट चेंज करे हैं हमने, जैसे कि ये कलरफुल करना, वो कलरफुल करना, और रूट तो ऑब्वियसली चेंज हो गई जब किसी और देश जा रहे हैं। तो बाकी मुझे तो भाई बहुत निखर के लग रहा है कलरफुल होने की वजह से रैप। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाड़ी को आज फाइनल तैयार करते हैं भाई, कल इसको इवेंट पे लेके जाना है। आप सब लोग कल यानी कि मंडे को, पता नहीं ये व्लॉग संडे को आएगा या मंडे को आएगा, अगर मंडे को सुबह 9 बजे आ रहा है तो आप लोगों को 2 बजे सेम डे पहुंचना है, और अगर ये व्लॉग संडे को आ रहा है तो अगले दिन यानी कि 20 नवंबर है, डेट बस ये याद रखना, मंडे 2 बजे दोपहर को, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे सभी लोगों से इवेंट पे, और अपनी गाड़ी के साथ फोटो रील्स वीडियो सब बनाएंगे मजे से। घर की हालत देख लो भाई क्या हो रही है, इतनी ज्यादा खराब। कोई नहीं, थोड़े दिन की बात है, फिर मस्त चमक जाएगा। जी लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 61 डीएम महिंद्रा के सर्विस सेंटर। अपना जो छोटा मोटा बचा हुआ काम था, जैसे कि अपना स्पेयर व्हील पड़ा हुआ है वो उठवाना है, और इसके अलावा भाई वाइपर चेंज करवाने हैं, और जो ट्रिप के दौरान हमें स्पेयर पार्ट्स ले जाने हैं वो भी पिक करने हैं भाई यहाँ से, ताकि हम सर्विस जो है वो बाहर करवा सके 10,000 किलोमीटर होने के बाद। एक सर्विस तो यहाँ हो गई थी उस दिन, आपने देख लिया होगा। खैर विक्रम भाई को भी कहता हूँ आ जाएंगे। लो जी लो पहुंच गए, अब एक बार और देख लो आप अच्छे से रैप। घर पे तो ढंग से दिख नहीं पाया था, तो कुछ इस तरह से अपनी गाड़ी लग रही है भाई। और जो स्पेयर टायर था ना, उसमें से हवा जो लीक हो रही थी, उसमें क्या वाल्व की दिक्कत थी, तो वो वाल्व भी पूरी की पूरी चेंज हो गई है। अब हम क्या करेंगे ना, एक्चुअल में जो पूरे ट्रिप में, लंदन वाली ट्रिप में, ज्यादातर गाड़ी ना इस टायर पे नहीं चली थी, जो स्पेयर व्हील हमने बदलवाया था ना यूरोप में उस टायर पे चली थी, तो ये टायर कम घिसा हुआ है, और वो तीनों टायर और चौथा टायर वो ज्यादा घिसे हुए है, तो इसलिए मैं वो स्पेयर वाला वापिस से यहाँ फिट करवा के इसको एज अ स्पेयर टायर रखूंगा, क्योंकि ये कम चला हुआ है ना, और बाकी टायर फिर बराबर बराबर हो जाएंगे उस हिसाब से। तो यही है अपना, बाकी वाइपर लगना है, आगे का वाइपर लगना है, और जैसे कि मैंने बताया अपने स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, और थोड़े बहुत अभी जैसे रैप करवाते हैं तो पैनल खुलते हैं, तो अगर नट वट, वैसे तो मैंने भैया को कह दिया था रैपस्टर वालों को कि अच्छे से टाइट कर देना, बट अगर कहीं से भी लूज होंगे तो यहाँ पे चेक करवा लेते हैं, वो अच्छे से फाइनल जो है कर देंगे। और एक तरफ की ना क्लैडिंग भी टूटी पड़ी है, एक तो देखो ये तो नहीं, चलो उधर की ज्यादा टूटी पड़ी है, वो वाली वो क्लैडिंग भी चेंज करवानी है भाई, क्रोम वाली है। एक तो भैया ये पार्ट बदलवाना है इसका, क्लैडिंग पूरी, ये ब्लैक में भी आती है अपने पास। लो जी लो अपना टायर आ गया है, अब इसमें हवा की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हालांकि अभी अपने पास एक दो दिन है इंडिया में, मतलब गुड़गांव में, तो इसको चला के भी देख लूंगा, अगर हवा लीक हो रही होगी फिर कुछ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ लगवाते हैं, इसको स्टेपनी में ले जाते हैं, कर दो जी। और ये फिर देखो भाई, घर से आते आते ना सीमेंट गिर ही गया, पता नहीं घर पे तो अब रखूंगा ही नहीं भाई, आज वॉश करवा के ना मैं सोच रहा हूँ डिटेलिंग बुली छोड़ दूँ रात भरी से, अपना डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी अंदर बाहर से, और फिर सुबह सुबह इसको ले जाऊंगा भाई सीधा इवेंट के लिए। चलो भाई बाहर गाड़ी का काम चल रहा है, अभी हम आ गए हैं स्पेयर पार्ट वाले एरिया में एक एक करके। ये क्या है सबसे पहले भैया बताते जाओ, ये वो सामान है जो हम ट्रिप पे ले जा रहे हैं अगली सर्विस के लिए, यानी जो 40,000 किलोमीटर पे। एयर फिल्टर है ये, एयर फिल्टर हो गया, बड़ी दे दो भैया थोड़ी बड़ी पेटी, बस तो पेटी की जरूरत नहीं, मैं तो उसी में स्टोरेज में फिट करूंगा सारा। हाँ पेटी रहने दो, हाँ ऐसी रख दो, ऐसी रखो। एयर फिल्टर आ गया, ये क्या है, एसी फिल्टर, एसी फिल्टर एक हो गया। ये रियर के ब्रेक पैड, फ्रंट के ब्रेक पैड अपने पास पड़े हैं पुराने टाइम के, और रियर के ये है, वैसे एक एक सेट हमने चेंज भी करवा लिया है। ये क्या है, ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर हो गया, ये डीजल फिल्टर है ना, फिल्टर है एक, डीजल फिल्टर अभी अपने चेंज कराया नहीं, इसका 40,000 रुपए चेंज होता है नॉर्मली। अच्छा ज्यादा महंगा भी नहीं, वैसे 390 रुपए का ही है। नहीं अगर अभी चेंज करवा ले फिर छुट्टी, अगर एक ले जाता हूँ एक दे ही दो इनको, ऐसा ना क्या पता रास्ते में पेट्रोल ऐसा डल जाए, मतलब सॉरी नहीं एक ले जाता हूँ चेंज अभी करवा लेते एक, अगर हो जाएगा चेंज तो भी हो जाएगा, वैसे कोई फायदा नहीं है ना। चलो छोड़ो फिर, ऐसा ना डीजल फिल्टर में पानी आता है या कोई चौके जो होगा ना। चलो ठीक है एक रख लेते हैं बस,
बाकी ये दो ब्रेक ऑयल हो गए, चेंज तो हमने करवाई लिए और एक वाइपर का सेट करवा लिया। ये सब रस्ते के लिए काम आएगा, ये वाशर की रिंग है ना, जो इंजन ऑयल निकालते हैं जब निकालते तो हमेशा चेंज करनी इंजन ऑयल निकालने के बाद। ये कोई पॉलिथीन दे दो ना छोटी इसी में, पाउच में डलवा दो। बाकी DF 30% अपनी गाड़ी का वो भी फुल करवा लिया, तो अब 10 से 13 हजार किलोमीटर तक चल जाएगी। और DF वैसे भी हर देश में अब मिल जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। चाइना में या हाँ चाइना के बाद ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में ही 10 हजार किलोमीटर गाड़ी चलानी है भाई। तो जैसे ही चाइना से निकलेंगे लाओस या फिर वियतनाम में, वहाँ पे DF फुल करवा लेंगे। क्या देखेंगे चाइना में ही होगा तो चाइना में। चलो जी, ये सारे स्पेयर पार्ट्स गाड़ी में रखवाते हैं। बाकी बाहर चल रहा है भाई काम, मड फ्लैप टूट गए थे वो डलवाए है, अपना वाइपर चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, ओके। ये देखो भाई, ये सारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए इतने बड़े, उसमें क्या वो तो है, रख रखे हाँ हाँ रख रखे। किसके लोग? गत्ते के, हाँ गत्तों के लोग, हाँ एक पैकेट वो ले लेते हैं। ये ना अपनी स्कॉर्पियो में सेमी हाइड्रोलिक जैक आता है, पंचर वंचर लगा उन्होंने उसके लिए, तो एक बार ये चेक कर रहे हैं कि काम कर रहा है ना, क्योंकि पिछले ट्रिप पे तो यूज हुआ नहीं, बट इस ट्रिप पे अगर यूज हो, जैसे नेपाल में चाइना में बहुत उबड़ खाबड़ रस्ते मिल सकते हैं हमें, तो वहाँ पे हो सकता है पंचर हो जाए। तो एक बार विक्रम भैया की गाड़ी में लगा के इसको सीख भी लूंगा अच्छे से कैसे खुलता उलता है, और साथ ही साथ चेक भी हो जाएगा कि गाड़ी का लोड उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है। तो इसमें भैया बता रहे टूल किट आती है, उसी में इसका डंडा मिलता है, वो डंडा मेरे को तो दिखानी था, एक बार देख लेते हैं कौन सा, बाकी अगर होगा तो। हाँ ये टूल किट तो है, इसमें कौन सा डंडा है तो खोलेगा ना। हम्म, तो ये रोड नहीं, इनको ऐसे खोलेगा ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे लगा ये स्क्रू वो है खोलने वाले है, स्क्रू ये मिलेंगे तेरे को। हाँ तो कर लेगा या करके दिखाऊं? बता दो एक बार फिर भी। हाँ सेट करके देख लेते कि वेट उठा पा रही है नहीं। हाँ चलेगा ना, इसमें लॉक हो जाएगा, और जितनी बढ़ानी हो आप बढ़ा सकते हो, यूं बढ़ानी हो ठीक है, उसके बाद लंबी करने के लिए। मान लीजिए उसकी ना नीचे जगह दे रखी है, कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे ना नीचे जगह होती है इसकी चेस्सी में ना, इधर। अच्छा आपको दिख रही है, जैसे खाचा बना हुआ ना ये वाला। हाँ हाँ, ये यहाँ बना हुआ है, ये अच्छा एग्जैक्ट अंदर फिट हो जाता है यहाँ पे, उस पे ना ये फिट हो जाता है। मैं भी करके दिखाता हूँ, देख लेते हैं। ये देख यहाँ पे लगा ना, अभी नहीं लगा, मैं बस करके दिखा रहा हूँ एक बार। इससे उठ जाएगी पूरी गाड़ी? अरे देख, अभी तो हाथ से उठा रहा हूँ मैं। हाँ, जितना हाथ से उठेगा हाथ से, बाकी डंडे से। हाथ से उठ जाए तो हाथ से कर लो, इसके ना पीछे वो भी लगता दूसरा। हेलो जी, हेलो, की हाल चाल क्या? अच्छा, आपने लंबी करके यो फसाई उसके अंदर, यो इससे घूमेगा आराम से दूर से बैठ के। इसमें तो ज्यादा जोर नहीं लग रहा है ना, नॉर्मली बस इतना टायर उठ जाए जिससे कि निकल सके अपना। हाँ तो मैंने ये चीज नहीं बनाई थी ना, मैं डायरेक्ट खोलने की कोशिश कर रहा था उससे, इसलिए दम नहीं लग रहा था। हाँ अब ये पूरी रोड लंबी करके फिर प्रेशर कम लगता है। अभी तो देखो ये पूरी की पूरी भाई चेसी उठ चुकी है, अब धीरे धीरे टायर भी ऊपर जाने लगेगा जितना ये उठ चुका है ना पार्ट, उसके बाद। हाँ अब उठ रहा है टायर, उठ रहा है। पहले गैप बहुत ज्यादा आता है इसमें। हाँ वही कह रहा हूँ, ये चीज उठ गई पहले तो बहुत ज्यादा, अब जो है वो अपना टायर उठ गया, थोड़ा सा हवा पे आ जाए जिससे कि मूव हो सके टायर, बस। टायर भी हवा में आ गया। ये देखो भाई सब पूरा हाइड्रोलिक अंदर से निकल गया आराम से। चलो जी ठीक है। अब इसे कैसे उल्टा घुमाना पड़ेगा पूरा यहाँ? अच्छा इसमें वो बटन सा नहीं होता कि जिससे रिलीज हो जाए वो प्रॉपर? हाँ ये तो आराम से ही हो गया, एक मिनट भी नहीं लगेगी। ये आ जाएगा नीचे। चलो जी बस हो गया काम, बढ़िया। और भैया रास्ते जैसे है ना अपने, उसमें हो सकता है कभी टो हमें गाड़ी किसी और की करनी पड़ जाए, अपनी टो करवानी पड़ जाए, तो उसके लिए भी जुगाड़ पूछ लेते हैं यहीं पे। स्कॉर्पियन का ना लगभग लोग ये मानते हैं या सोचते हैं इसके अंदर ना टो हुक आता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आगे से दिखता ही नहीं। ये वाला पार्ट खोलना पड़ता है और ये रोड यहाँ से डालनी होती है। ये रोड तो टूल किट में ही मिलती है ना, टूल किट में बस ये घुमा के फिट हो जाएगी। हाँ, ये किसी को नहीं पता आज तक। हाँ। बहुत कम, मतलब जिनको नॉलेज है उनको पता होगा। हाँ। पर रेयरेस्ट लोगों को ही पता ये चीज़। वो पीछे पीछे से करनी हो तो है जुगाड़? पीछे है इसका, है पीछे तो क्लियर दिखता है, ये रहा। तो क्लियर है, यहाँ से पुश करो। अच्छा, हाँ, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ लगा दो तो ये लगेगा, यही चीज है ना, लगेगा यही कंपनी का है ना ये। ठीक है, पूरी चूड़ी चढ़ानी है, थोड़ी सी नहीं चढ़ानी, पूरा मतलब चढ़ा के फिर खींचना। तो इतना लोड लोड ले लेता है ये चीज इतना पूरा, मतलब इसको लेके थोड़ा ही टाइट कर देना और ठीक। चलो जी ये जुगाड़ भी हो गए अपने दोनों। हाँ रस्ते में फंस जाए फालतू में। इसका छोटा टूल टायर वायर चढ़ाना है, खोलना है जब उस टाइम, तो अपना ये लगा दिया। खैर मेरे में तो अलॉयज मैंने चेंज कर रखे है, मैंने तो गोटी दूसरी ले रखी है, मेरी वाली यही है, ये लेगा। क्योंकि कई बार ना नट सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, हाथ से थोड़ा चढ़ाओ फिर। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हो आप। डंडी वो यूज होगी ये वाली, आपने ये करनी है तो ये कर लो। हाँ नहीं तो इसको लगाओ ऐसे लो। हाँ और
न्यू टाइट कर दो ना। समझ गया ठीक। मतलब ये गोटी वाला, मतलब ये वाला जो सीन है ना जो मैंने अलग से ले रखा है, ये वाला सीन मतलब वो तो एलोए के लिए आपका होगा ना ये? हाँ, तो हाँ। ये एलोए के लिए ना, पूरा गोटी इसमें चली जाती है। आपके अलग वो है, एलोए चेंज हो गया ना, ये पूरी लंबे वाली ठीक है। चलो ठीक, कंपनी वालों में ना ये तो कंपनी ने ना ये वाला सीन और पन्ना दोनों करके दे रखी है। ठीक है ठीक है। क्योंकि अपने इंडिया में आप जा रहे हो, कोई दिक्कत आए तो वीडियो कॉल, फोन कॉल या फिर महिंद्रा का आरटी वो जो क्या कहते हैं उसे रोड साइड भी आ सकती है, बट दूसरे देशों में हो सकता है। मान लो मैं तिब्बत साइड में हूँ लहासा के, वहाँ नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, ना वीडियो कॉल हो पाए, तो ये चीजें पहले ही आती हो तो ज्यादा बेटर है। पिछली ट्रिप में तो जरूरत पड़ी नहीं, बट इसमें भाई जरूरत पड़ेगी तो फिर ये सब तो एक्स्ट्रा। मैंने 2-3 टूल किट है मेरे पास, सारे पेज का है सारे। हाँ तो ये महिंद्रा ने ही दे रखा है, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ चीज है। बढ़िया लो जी ऊपर चली गई है। अभी ये फ्रंट का क्या डिफरेंशियल का, ये फ्रंट वाला डिफरेंशियल का ऑयल है। उस टाइम ना हमने रियर डिफरेंशियल तो करवा लिया था, फ्रंट नहीं करवाया था। ये तो इंजन ऑयल नहीं है, ये तो ना इंजन ऑयल यहाँ से निकलता है ना। ये है डिफरेंशियल भाई, ये भी खराब है। ये वैसे 30,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, बट अपनी 23 चली हुई है तो 23 पे ही हम करवा के जा रहे हैं। अब ये चेंज हो जाएगा, बढ़िया सीन हो जाएगा पूरा। और ये अंडर बॉडी जो हमने लगवाई हुई है, इसके भी सारे नट वट ना अच्छे से चेक करवा लेता हूँ कि रस्ते में कुछ भी बजने की आवाज ना आए। और टूट फूट ये पिछली बार या इस बार इस सर्विस में ये इन्होंने उतारा होगा ना रैप के लिए, तो एक बार बोल देता हूँ फिर भी। इसको बड़ी बात से लगाऊंगा, ये बिमरा वाली है ना, ये मजबूत सही है जितने पेच है। पीछे से भी सारे स्क्रू चेक करवा रहा हूँ भाई, कहीं से भी कुछ भी लूज नहीं बचना चाहिए। ये पार्ट भी हमारी चेंज हुई है ना, पहले सिल्वर कलर की थी, अब ब्लैक मैट में मैंने आपको दिखाया था सर्विस वाली वीडियो में, वो चेकआउट कर लेना। और स्पेयर टायर भी अच्छे से टाइट करवा दिया, चढ़ गया भाई। गाड़ी ऑलमोस्ट भाई रेडी है, अब ज्यादा कुछ काम रह नहीं गया गाड़ी में। एक इसकी स्नो चेन पिक करनी है, वो तो मैं बिमरा जाऊंगा ट्यूजडे को, वहीं से ले लूंगा। और एक वो जो जेरी कैन था उसके ऊपर का माउंट लेना है मुझे, क्योंकि हमारा ईरान में खो गया था। तो बस उसके अलावा तो फिर अंदर से ही सामान सेट करना है, देन हमारी गाड़ी गुड टू गो। भाई साहब मैच चल रहा है, थोड़ी सी हालात नाजुक ही लग रहे हैं। होपफुली 300 तक स्कोर पहुंच जाए तो काम बन जाएगा आज अपना। गाड़ी में अभी आधा एक घंटा और लगेगा, उसके बाद भाई लेपर्ड ट्रेल भी जाना है। जो भी इवेंट की तैयारी है वो आज ही करके रखनी पड़ेगी कल, ताकि थोड़ा स्मूथली सब कुछ हो सके। अभी बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के लिए भी बोल दिया अंदर, तो वो भी जल्दी जल्दी निपट जाएगा ना। जब तक काम चल रहा है तब तक मैच ही देख लेते हैं वेटिंग एरिया में बैठ के। एंड अपने एक और भाई आए हैं, विक्रम भाई के दोस्त है ये। ये भाई MG ग्लोस्टर लेके ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे गए थे, जैसे अपनी ट्रिप चल रही है ना पूरी अलग अलग देशों की। इन भाई ने पूरा इंडिया छान मारा है, तो देख सकते हो आप भाई, सारी सिटीज सारे स्टेट्स के नाम आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर। और ये ग्लोस्टर तो अलग ही है भाई, रस्ते में कोई दिक्कत ही नहीं होती, इतना सामान वामान बंदे वंदे जो ठूसना ठूस लो, इतनी ह्यूज गाड़ी है। तो अभी भाई से बात करते हैं। हाँ वो बता रहे थे उन्होंने, हाँ उन्होंने बताया था, उन्होंने ऑटो ट्यूब ने कि रैप्चर वाले भैया ने किया था इनका पूरा। भैया से बात कर रहे थे, कितना किलोमीटर चली है इंडिया में? 18,600 बताओ, 18,600 किलोमीटर में हम लंदन पहुंच गए। लेकिन अपना देश इतना बड़ा है भाई साहब कि इंडिया में भी, और अभी भी सारी सिटीज थोड़ी हो पाई होगी है ना, वो तो ऑब्वियस है। स्टेट में भी दो स्टेट छूट गए, बताओ उसी में 18,000। मैप में बताना क्या क्या करा है आपने? यहाँ दिल्ली से शुरू किया। अच्छा रूट मैप दिखाया साइड पे, हाँ साइड वाला दिखा दो, इसमें से भी कुछ छोटा होगा रूट मैप नहीं, इसमें सभी किया। दिल्ली से शुरू किया चंडीगढ़, अब बीच में क्योंकि पूरा नहीं आ सकता था, तो चंडीगढ़ भी गए थे, जम्मू कश्मीर, कारगिल, ले हो गया लद्दाख, इसमें मनाली गया था, शिमला नहीं गया था मैं। अच्छा मतलब हिमाचल तो हो ही गया, जो इशू था ना हिमाचल हो गया था, देहरादून, लखनऊ, पटना, दार्जिलिंग, नामची, फिर ये नॉर्थ ईस्ट आ गया ना पूरा, ये दिसपुर, ईटानगर। यहाँ की रोड्स वगैरह कैसी मिली आपको? यहाँ की रोड्स अच्छी है, और इनफैक्ट लोगों को ये है ना कि पहाड़ी होगी। अच्छा बहुत पहाड़ी नहीं है, प्लेन्स है मतलब? हाँ प्लेन्स है, मतलब मुझे भी ये डर था कि भाई बहुत पहाड़ी होगी। अच्छा लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं, मेघालय पे थोड़ा सा मिली, और जब एकदम इम्फाल के आगे आप जब जाते हैं जो हाई पास ऊपर पड़ते हैं वहाँ पे पड़ता है सीला पास और ये सब, बाकी आपको कहीं पहाड़ी ऐसी खास पहाड़ी। ये कलर तो अलग है ना आपका, इसका ओरिजिनल कलर कौन सा था? ये ओरिजिनल कलर रैप इतनी ही दूर हुआ है। तो आप ये भी पैनल करवाते ना ये? इंडिया में इतने स्पॉन्सर ले, हाँ ये स्पॉन्सर कैसे लिए है? हमें भी दिलवा दो स्पॉन्सर थोड़े हैं। इस बार तो स्पॉन्सर मिले ही नहीं भैया, ऐसे ही जुगाड़ करवाते। बताओ इंडिया में भैया को यहाँ 5 स्पॉन्सर मिले हुए हैं, 4-5 स्पॉन्सर प्लस MG भी, हाँ बताओ भी MG का तेल पानी तो MG ने लिया। बताओ हमें लंदन तक नहीं कर रहा, अबे साला तो धोती खोल रहा है, वही तो हमें लंदन तक नहीं कर रहा कोई स्पॉन्सर भैया को, बताओ इंडिया ट्रिप में कर दिया। बढ़िया यार बढ़िया, पूरी ट्रिप करके आज ही लौटे हैं भैया वापस। कहाँ से आ रहे हो अभी आप? बीकानेर से ना, तो बीकानेर से भैया आ रहे हैं। चलो बढ़िया, बधाई हो आपको। पूरा ट्रिप की वीडियोस वगैरह डालिए सब, पूरा
ऑटो ट्यूब चैनल है भैया का, ऑटो ट्यूब इंडिया, वहाँ पे आपको जो लोग मेरे को कह रहे थे कि इंडिया की ट्रिप करो वो भैया की वीडियोस आप देख सकते हो, अभी हमारी वर्ल्ड वाली देख लो, एक बार जब हम पूरा वर्ल्ड नाप लेंगे उसके बाद आराम से 30-35 की उम्र के बाद इंडिया ही नापना विक्रम भैया के साथ, सही है? चलो आप भी चल लेना, फिर से चल लेना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस हो गया, इंडिया वाला माहौल भी होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं सही है, बढ़िया भाई साहब। 15 मिनट के लिए बाहर क्या गया, 5 विकेट से 7 विकेट हो गई, केएल भी गया, अब तो सूर्य कुमार एक आखिरी उम्मीद है, 6 ओवर में 50-60 रन 70 रन बना दे तो 270-80 का टारगेट, तो इंडिया डिफेंड करने लायक भी बने, वरना 230-40 में तो डिफेंड में भी हालत खराब हो जाएगी बॉलर की। बाकी कुछ नहीं कह सकते भाई, जिस तरह इंडिया की विकेट गिरी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की भी धड़ाधड़ गिर जाए, क्या है क्या नहीं पता नहीं है, वो देखते हैं भाई, इंडिया पे आना चाहिए वर्ल्ड कप जैसे भी आया, हमें नहीं मतलब, बाकी बड़ा पाव आ गया, पेट पूजा कर ली जाए जल्दी से। 1 hour later चलो जी, पीछे का वाइपर भी लग गया है, आगे के वाइपर ब्लेड भी चेंज हम बाहर से करवा रहे हैं, वो ट्विन वाला कोई वाइपर आता है यहाँ पे मिला नहीं हमारे पास, इसलिए OTPMS के सेंसर अभी कैलिब्रेट कर रहे हैं, और एक पार्ट और चेंज हो रहा है, इसका जो फ्रंट का लोअर बम्पर है ना ये भी टूटा पड़ा है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ना ये फिट नहीं हो रही क्लैडिंग, ये देखो, तो ये पूरा ही बम्पर नीचे का चेंज करवा रहे हैं, अब हो ही जाए, मैंने कहा पूरी टिच हो जाए गाड़ी, रिटेलिंग बुल पे ले जाके छोड़ दूंगा, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, और ये जो टेल लाइट ना ज्यादा ही ब्लैक हो गई है, हमें ये ब्लैक नहीं करनी भाई, इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है, तो ये उतरवाऊंगा और इसमें PPF करवा लूंगा नॉर्मल ट्रांसपेरेंट, बाकी गाड़ी गुट्टू को नंबर प्लेट और लगनी है, फिर डन। लो जी बम्पर आ गए, ये तो इसमें तो रैप होगा, ब्लैक आता है, मैट आता है, नहीं मेरा रैप हुआ पड़ा है, नहीं 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 आगे शायद, नहीं नहीं ये लोअर वाला पार्ट होता है, ये हिसाब से नहीं है रैप में, ये वाला ना, ये रैप में है ही नहीं कोई भी, पक्की बात है, पक्की बात है, मैं कह रहा हूं, चलो आगे चलता हूं, दिखा दूंगा, कंफर्म करा, कितने का है ये बम्पर? 3000 रुपए का भाई लोअर बम्पर, इसलिए टूटा बस ये, सिर्फ ये वाली पट्टी टूट गई इसकी, ये वाली सिर्फ इसके कारण, ये सेटिंग नहीं आ रही, बैठ नहीं पा रहा इसके और इसके कारण, चलो लगवा लेते हैं फटाफट ये। चलो भाई गाड़ी बाहर निकल गई है, सारी बिल की पेमेंट हो गई है, जैसे कि मैंने बताया था जो भी डिक्की विक्की चेंज हुई थी, बॉडी पार्ट का काम था, वो सब गुड विल में DM महिंद्रा की तरफ से हुआ है, और बाकी जो सर्विस मेंटेनेंस पार्ट्स वगैरह थे वो सब हमने दिया, अराउंड 40,000 रुपए का बिल बना है, 40 के आसपास ही लगा लो अंदाजा, जिसमें यहाँ जो पार्ट्स चले हैं वो तो इंक्लूडेड है ही, साथ में हम जो एक्स्ट्रा पार्ट्स ले जा रहे हैं ना बाहर बम्पर के समेत फ्रंट वाला उसके समेत लगभग। लो जी भाई चमक के आ गई है गाड़ी, हालांकि अभी तो वॉशिंग करवानी नहीं थी, डिटेलिंग बिल में होनी है, बट फिर भी इन्होंने करी दी, कोई बात नहीं, इस बार यार मेरे को महिंद्रा की गाड़ी नहीं लग रही है, पता नहीं यार ऐसा कैसा तू रैप इस पे लगवा के लाया भाई, ये तो कुछ अलग तरह की गाड़ी लग रही है, फोरन की गाड़ी लग रही है भाई। अच्छा जी, साइड में तो पूरी LC की लुक दे रही है भाई, भले लोग वो करेंगे थोड़ा सा स्कॉर्पियो LC से कंपेयर करो भाई, देखो मतलब बीइंग अ कार रिवर कोई कंपैरिजन भी नहीं बनता, बिल्कुल बिल्कुल, इतने प्राइस में इस सेगमेंट में कोई तोड़ नहीं है भाई, सही बात, ये पक्की बात है। LC तो 3 के आसपास की है ना, 3.5-4 के आसपास की LC तो, हाँ तो 10 गाड़ी आ जाए, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया उड़ गया, अरे ये कैसे उड़ गया, मैंने कहा था जब ही रैप होना हमारे प्रेशर, वॉशिंग की वजह से भाई अपना ये निकल गया था, तो अभी इसको हटवा दिया और नया प्रिंट के लिए बोल दिया, कल रैपस्टर वाले भाई आएंगे इवेंट में तो सुबह सुबह ले आएंगे, हम इसको चिपका देंगे फिर से, अभी पूरा ही उतारना पड़ रहा है, वही प्रेशर वॉश से ना एकदम से हट गया, ताजा ताजा था, रैप पे तो कुछ नहीं हुआ, हाँ वो तो कोई नहीं, छोटा मोटा चीज है, रैप में नहीं आया कुछ, बस यही है मेरा। तो जी DM महिंद्रा से हमने कपड़ा ले लिया लाल कलर का, जो डिलीवरी के टाइम पे हटाते है ना अपना सुबह हो जाएगा, और X7 की डिलीवरी पे मैंने वो जो बड़ा सा वो नहीं रिबन सा लगाया था, अगर वो मिल गया, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया ना तो पता नहीं मुझे वो कहाँ रखा है, पर ढूंढूंगा आज जाके, अगर वो मिल गया तो भाई Scorpio N पे कपड़ा ढकेंगे पहले, फिर उसके ऊपर वो रिबन लगाएंगे, और फिर जब सारे आप लोग आ जाओगे इवेंट पे तब कपड़ा उठा के आपको अच्छे से रैप भी दिखाएंगे और साथ ही में फ्लैग ऑफ इवेंट भी करेंगे, तो पहुंच जाना सब लोग 2 बजे या 2:30 बजे तक, करेक्ट, जिस टाइम मैं वीडियो देख रहे हूं उस टाइम तो इवेंट चल रहा हो, हाँ नहीं उस टाइम नहीं चल, हाँ हो भी सकता है दोपहर को देख रहे हो, क्या पता भाई, सारी तैयारियां वैरियां पूरे टाइम पे चल रही है, कैसे भैया? ठीक हुआ, बढ़िया जी, बस स्टैंडीज और वो ला के दे दिया, सुबह अपना काम शुरू हो जाएगा सारा का सारा, और आप सबसे 2 बजे मिलना ही है हमने, फिर बाकी यहाँ पे पिज्जा मंगवाया भैया ने, खाते हैं। लो भाई लो, अपना लोअर बम्पर भी हो गया है अच्छे से फिट, अब देख सकते हो आप कोई गैप नहीं है यहाँ पे, बट अब ये वॉश नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, तो अब इसको सुबह ना जितना वॉश बाहर से है बस उतना ही करवाएंगे, उसके बाद इसको लेके इवेंट में खड़ी कर देंगे, डीप क्लीनिंग इसकी ना आराम से कल या परसों सुबह करवा लेंगे, चलो डन है, हाँ बाहर से तो साफ ही है कोई दिक्कत नहीं है, चलो घर पे ही लानी पड़ी यार गाड़ी, अब सुबह देखते हैं थोड़ा सा वॉश कर लूंगा खुद से ही, बाकी बहुत ज्यादा थकान हो गई है और एक्साइटेड भी बहुत हूँ कल आप सबसे मिलने के लिए, कल मतलब व्लॉग आप तो आज ही देख रहे हो ना, आज ही इवेंट है, आप में से आधे लोग आ चुके होंगे, बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।